हेलो एवरीवन, आज से हम लोगों ने अपने स्कूल में एलकेजी और यूकेजी का भी क्लास स्टार्ट किया है। इस लॉकडाउन की वजह से ये बहुत जरूरी था, क्योंकि 6 to 12 क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पर चल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्शन के क्लासेस नहीं चल पा रहे थे, जिसके वजह से बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन था कि प्राइमरी सेक्शन का भी क्लासेस स्टार्ट किया जाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि बहुत सारे टीचर, सभी टीचर्स को हम लोग यहाँ पर कॉल करें और क्लासेस करवाएं। कुछ टीचर्स अपने गांव चले गए हैं, कुछ टीचर्स इतने दूर हैं कि वो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्लासेस करना जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये क्लासेस हम लोग खुद से स्टार्ट करें। लेकिन ये क्लासेस स्टार्ट करने के पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि मुझे पेरेंट्स से बात करना जरूरी था, क्योंकि LKG UKG या 1 to 5 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद से अपना यूट्यूब ऑन करके अपने क्लासेस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए पेरेंट्स का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। तो मेरा सभी पेरेंट्स है, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कोऑपरेट करें अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और स्कूल के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे, जा रहे हैं LKG और UKG के क्लासेस। LKG और UKG के स्टूडेंट्स बहुत छोटे हैं, काफी दिनों का गैप हो चुका है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका हम लोग पहले रिविजन करवा लें। रिविजन के लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, अल्फाबेट बच्चों को सिखाना जरूरी है। सबसे पहले LKG का ये सिलेबस ही है कि हम बच्चों को पहले प्रॉपरली अल्फाबेट सिखाते हैं। यूकेजी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी LKG में कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट सीख लिया है, पढ़ना भी और लिखना भी, लेकिन रिविजन बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट रिविजन वो सारा कुछ भूल जाएंगे, इसीलिए मैंने LKG और UKG दोनों लिखा है। अब हम देखते हैं इसको कि हम इसको ओरली कैसे करवाएंगे बच्चों को। इसको स्टार्ट कराते हैं हम पहले कैपिटल अल्फाबेट से। ऑल दीज आर कैपिटल अल्फाबेट्स एंड वी विल स्टार्ट। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैन, आई फॉर इंकपॉट, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, बी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर यार एंड जेड फॉर ज़ेब्रा। सो दिस इज द कैपिटल लेटर। इन द सेम वे दिस इज द स्मॉल लेटर्स। LKG के स्टूडेंट्स को पहले कैपिटल लेटर्स ही पढ़ना है। UKG के स्टूडेंट्स ऑलरेडी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स दोनों LKG में पढ़ चुके हैं, तो उनको सिर्फ ये रिविजन करना है। मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को डेली ओरल कराइए। आई रिपीट, आप अपने बच्चों को डेली A to Z ओरल कराइए। जैसे मैंने अभी पढ़ के सुनाया, आप अपने बच्चों के साथ इसको रिवाइज करवाइए, बच्चों को रिविजन करवाइए। आप बोलिए और पीछे से अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को भी बोलिए, वो आपके साथ रिपीट करेंगे। तो ये ओरल हो गया। अब राइटिंग, राइटिंग के लिए हम क्या करेंगे, LKG के स्टूडेंट्स के लिए आपको 4 lines कॉपी लेनी है। 4 lines कॉपी में किस तरह से लाइन्स होते हैं, इस तरह से लाइन्स होंगे 4 line कॉपी में। LKG के पेरेंट्स को क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे एवरीडे सिर्फ 1 letter ही लिखना सिखाना है, प्रॉपरली लिख सके। 4 line कॉपी में बच्चों को कैसे अल्फाबेट प्रॉपरली लिखना है, कैपिटल कैसे लिखना है और स्मॉल कैसे लिखना है। तो कैपिटल के लिए हम सबसे पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आप स्टार्ट कीजिए विथ लेटर ए। आप उसमें बच्चों की कॉपी में फर्स्ट लाइन में लिख के दिखाइए, ए फॉर एप्पल। आपको ये सिर्फ 3 lines में ही लिखने के लिए सिखाना है बच्चों को, 1, 2, 3। कैपिटल लेटर्स जो भी लिखना होगा ये 1 letter में ही, 3 lines में ही उनको लिखना है। इस तरीके से आप उनको लिख के दिखाएंगे और फिर पूरा पेज बच्चे सिर्फ ए फॉर एप्पल बोलते हुए पूरा पेज लिखेंगे। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में फिर से आपको ये रिपीट करना है नेक्स्ट अल्फाबेट के साथ, दैट इज बी। अब आप अपने स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे बी लिखना सिखाएंगे। बी कैसे लिखना है ये भी 4 line कॉपी में लिखना है, उनको सिखाना है कि 3 lines में ही आपको लिखना है, स्ट्रेट लाइन, कर्व एंड वंस अगेन कर्व बी।
आप अपने बच्चों को ये लिखना सिखाइए कैसे फोर लाइन कॉपी में लिखना है, और बच्चों से फिर पूरा बच्चे उसको पूरा पेज रिपीट करेंगे। इस तरीके से उनके हैंडराइटिंग भी ठीक होगी और प्रॉपर लिखने के लिए सीखेंगे। आप उनको बच्चों को अपने ये भी बताइए कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो लेटर के बीच में। जब आपने बी लिखा है तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, अगेन बी, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर बी, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, फिर बी। इस तरीके से आप बच्चों को डेली एक पेज लिखने के लिए दें। एक दिन ए दीजिए, नेक्स्ट डे बी दीजिए, उसके नेक्स्ट डे सी दीजिए। याद रखिए कैपिटल लेटर में हर अल्फाबेट आपको थ्री लाइन्स में ही लिखने हैं। जैसे मैंने ए लिख के दिखाया, जैसे मैंने बी लिख के दिखाया, आगे आपको सी लिख के दिखाना है, डी लिख के दिखाना है। ए टू जेड हर अल्फाबेट आपको, हर लेटर आपको एक एक पेज अपने बच्चों से प्रैक्टिस कराइए। ये एक वर्क है एलकेजी के लिए। ओके, नाउ फॉर यूकेजी, द स्टूडेंट्स ऑफ यूकेजी विल राइट लाइक दिस। यूकेजी के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी चैप्टर ऑफ स्मॉल लेटर्स पढ़ लिया है एलकेजी में, इसलिए वो सिर्फ रिविजन करने के लिए इस तरीके से लिखेंगे। उसमें भी पेरेंट्स के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। यूकेजी के स्टूडेंट्स को पता है कि कैपिटल स्मॉल कैसे लिखना है, इसलिए हम बच्चों को इस तरीके से सिखाना है। फर्स्ट लाइन में आप लिखेंगे ए, ए फॉर एप्पल, एंड अगेन स्मॉल, इसके साथ स्मॉल भी लिखने के लिए सिखाएंगे। बी, देन अगेन स्मॉल बी, देन सी, दिस इज द कैपिटल इन थ्री लाइन्स एंड स्मॉल इन वन लाइन। सी बी कैपिटल लेटर इन थ्री लाइन्स, स्मॉल इन वन लाइन। सो लाइक दिस यू हैव टू डू प्रैक्टिस। सभी पेरेंट्स अपने यूकेजी के स्टूडेंट्स को कैपिटल और स्मॉल एबीसीडी इस तरीके से प्रैक्टिस कराएं। आप इस प्रैक्टिस को डेली कंटिन्यू रखें जब तक आपके स्टूडेंट इसको अच्छी तरह लिखना सीख नहीं पाते। ये एक ये इंग्लिश का ये सबसे फर्स्ट सिलेबस है, रिवीजन वर्क, रिवीजन फॉर एलकेजी एंड रिवीजन फॉर यूकेजी, मैंने दोनों के लिए बता दिया। अब आप इन बच्चों को डेली करवाइए तब तक जब तक कि आपके बच्चे ठीक से लिखना सीख न जाएं। एलकेजी के बच्चों को सिर्फ कैपिटल लेटर लिखवाना है ए टू जेड, और यूकेजी के स्टूडेंट्स को कैपिटल लेटर विद स्मॉल लेटर। इस तरीके से लिख करके आप अपने बच्चों को दीजिए ताकि वो पूरा पेज लिख सकें और प्रैक्टिस होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये इंग्लिश का रिविजन वर्क हो गया, अब हमें इसके बाद हिंदी का रिविजन करना है। हिंदी में क्या रिविजन करना है हमें, सबसे पहले हम हिंदी में जो पढ़ते हैं वो होता है स्वर। हिंदी में एलकेजी का सिलेबस है स्वर। स्वर में हम क्या पढ़ते हैं, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और से कुछ नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर। ये स्वर है, जैसे मैंने आपको पढ़ते हुए लिखा उस तरीके से आप अपने बच्चे को ओरल प्रैक्टिस कराइए। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ऊन, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और से कुछ नहीं। ये सारी चीजें एलकेजी में स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया है, इसलिए यूकेजी के स्टूडेंट्स को ये सब एक साथ लिखना है, पूरा स्वर एक साथ लिखना है अ से लेकर अ तक। अब एलकेजी के स्टूडेंट्स को क्या करना है, एलकेजी के पेरेंट्स अपने बच्चों को सिंगल लाइन कॉपी खरीदिए। सिंगल लाइन कॉपी आपके पास होगी भी, इस तरीके से सिंगल लाइन कॉपी होती है। आप अपने बच्चे को सिर्फ एक अल्फाबेट सिखाइए, अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार,
एक प्रॉपर दूरी बनाने के लिए बच्चों को सिखाइए कि दो अक्षर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, उनको सिखाइए। और ये पूरा पेज बच्चे एक दिन अ से अनाज ही लिखेंगे, नेक्स्ट डे वो आ से आम लिखेंगे, थर्ड डे ई से इमली लिखेंगे, उसके बाद ई से ईक लिखेंगे। तो एक एक पेज बच्चों को डेली लिखना है, ये एलकेजी का सिलेबस है। यूकेजी के बच्चों को पूरा स्वर अ से लेकर अ तक डेली लिखना है, जब तक उनकी हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो जाती है। ये हो गया आज का हिंदी का। और अब हम देखेंगे मैथ के बारे में। मैथ में हमको जो सबसे पहले बच्चों को सिखानी होती है वो होता है काउंटिंग। हम काउंटिंग बच्चों को कैसे सिखाएंगे, मैथ में हमें बच्चों को काउंटिंग सिखाना है। काउंटिंग हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एलकेजी के स्टूडेंट्स के लिए इतना काफी है। ये स्क्वायर लाइन कॉपी आती है मैथ्स के लिए, इस तरह की स्क्वायर लाइन कॉपी मिल जाएगी आपको। इस तरह स्क्वायर लाइन कॉपी में बच्चों को आप लिखना सिखाइए, 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे फिर यहाँ पर एक गैप, एक स्क्वायर गैप करके फिर 1 लिखेंगे, फिर एक स्क्वायर गैप करके यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ एक गैप करके 2 लिखेंगे, यहाँ गैप करके 2 लिखेंगे। एलकेजी के बच्चों को हमें सिर्फ 10 तक ही सीखना है, ये एलकेजी का सिलेबस है। आपको बच्चों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपको स्क्वायर लाइन कॉपी में इस तरह से लिखने के लिए सिखाना है। यूकेजी के बच्चों को ये हम 50 तक करवाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यूकेजी के स्टूडेंट अभी 50 तक काउंटिंग सीखेंगे, 1 से लेकर 50 तक यूकेजी के लिए है, एलकेजी के लिए सिर्फ 1 to 10 तक ही है। यूकेजी के स्टूडेंट्स को भी स्क्वायर लाइन कॉपी में इस तरीके से 1 to 50 तक लिखना है। ये सभी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी वर्क आपको यहाँ पर असाइन किया जा रहा है, आप अपने बच्चों के साथ बैठकर डेली सिर्फ 1 घंटा आप समय अगर देते हैं तो आप अपने बच्चों को ये सारी चीजें जो यहाँ पर बताई जा रही है प्रॉपरली करा पाएंगे। अपने बच्चों के हैंडराइटिंग पर ध्यान दें, बच्चे अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू।